पूरा मामला नगर टूंडला में स्थित नगला राधे लाल अम्बेडकर पार्क से जुड़ा हुआ है। टूंडला के नगला में स्थित नगला राधे लाल अम्बेडकर पार्क में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 132वां जन्म महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर स्थानीय एवं दूर दराज से आए हुए लोगों के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण की गई। उसके बाद एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, आयोजन जिसमें संगोष्ठी के मुख्य अतिथि ग्राम पंचायत जाटव के प्रधान डॉक्टर बारेलाल ने कहा कि बाबा साहब ने किसी एक जाति और किसी एक धर्म का भला नहीं किया है, उन्होंने समस्त मानव जाति के लिए कार्य किया है और सबको सम्मान दिलाने का काम किया है। बाबा साहब ने संविधान की रचना कर इस देश को दलित वंचित और OBC के लोगों को सम्मान दिलाने का काम किया है। आज उनकी जयंती पर हम उनके मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। फिरोजाबाद से गुलाब सिंह की रिपोर्ट, SKH न्यूज। सभी देशवासियों, मैं बाबा साहब की 132वीं जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज उस मसीहा का जन्म दिन है जिन्होंने हर समाज के गरीब तबके के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है और आज देश जो संविधान बना है उससे चल रहा है। और सभी देशवासियों को आप देख रहे हैं कि प्रभात फेरी हर वर्ष की तरह आज भी टूंडला में बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। सभी अम्बेडकर अनुयायी और बुद्ध अनुयायी बड़े टाइट कपड़े पहन के देख लो कितना सुंदर लिबास में बाबा साहब की प्रभात फेरी में, और सभी महिलाएँ बच्चे बुजुर्ग बड़ी हर्षोल्लास से बाबा साहब की जयंती को मना रहे हैं। मैं पुनः कामना करता हूँ कि हर वर्ष के साथ इस वर्ष भी लाखों की तादाद में लोग भीड़ इकट्ठी होकर बाबा साहब का जन्मदिन पूरे देश में मनाएंगे और बाबा साहब की 132वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए जय भीम। आज हमारे यहाँ अम्बेडकर जयंती पर मैं सभी लोगों को शुभकामना देता हूँ कि माननीय हमारे संविधान के निर्माता माननीय डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी को सच्चा नमन करता हूँ।